दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905, या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। नमस्कार, मैं वानु सुमार, आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। भागलपुर में मर रहे कोरोना पीड़ित और एक्सपायर हो गई 5 लाख की दवाइयां। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कोरोना से अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। आए दिन अस्पताल में दवा नहीं मिलने का आरोप भी मरीज लगा रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन की अनदेखी से 38,000 दवाइयां एक्सपायर हो गई। इसकी कीमत करीब 5 लाख है। इसमें से कुछ दवाइयां विटामिन सी और आयरन की है, जो कोरोना मरीज को भी दी जाती है। बिहार में मिले कोरोना के 2087 नए मामले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,32,935। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में मरीजों की संख्या सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 2087 लोग कोरोना पॉजिटिव है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,32,935 हो गई है। बिहार में फिलहाल 19,815 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। भागलपुर के नर्सिंग होम में पहला कोरोना मरीज हुआ भर्ती। भागलपुर के स्थानीय सिटी हॉस्पिटल में पहली बार कोरोना मरीज को भर्ती किया गया। मरीज पीरपैंती निवासी है। शहर के सिटी हॉस्पिटल और ग्लोकल हॉस्पिटल ने कोरोना मरीजों को भर्ती करने की स्वीकृति दी थी। सिविल सर्जन द्वारा दोनों निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए पत्र दिया है। भागलपुर में नए नियम के साथ करना होगा ट्रेन सफर। नियम का पालन करने के बाद ही यात्री को कोच में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। भागलपुर से अभी एक ही स्पेशल ट्रेन चल रही है, लेकिन सितंबर से कुछ ट्रेनों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में यात्रियों को कई नियमों के साथ सफर करना होगा। रेलवे नए नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए स्टेशनों पर जल्द ही गाइडलाइन जारी होगी। कोरोना महामारी के बीच ट्रेन परिचालन को लेकर रेलवे पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। छोटे स्टेशनों कतारबद्ध होकर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। टिकटों की जांच होगी। इसके बाद सीधा यात्री वेटिंग हॉल में जाएंगे। ट्रेन के आगमन से 10 से 15 मिनट पहले यात्री प्लेटफॉर्म पर बने घेरे में खड़े होंगे। इसके बाद यात्री कोच में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। कूली भी नहीं मिलेगी। नीतीश बोले, मुखिया जी पंचायत सरकार के मुख्य आप है, 1 करोड़ का आपको बनाना है भवन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ग्राम पंचायत के मुखिया जी याद कर लें। जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तभी से हमने कहा है कि केवल हम ही सरकार नहीं है, ग्राम पंचायत भी सरकार है। इसलिए पंचायतों में बन रहे भवन का नामांकन किया गया है पंचायत सरकार भवन। पंचायत सरकार के आप ही मुख्य हैं। मधुबनी में बॉर्डर के पास नेपाल पुलिस ने की हवाई फायरिंग। सीमा पर पुलिस व SSB चौकस। इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड के समीप नेपाली क्षेत्र में नेपाल की पुलिस ने हवाई फायरिंग की। घटना नेपाल के दुहवी गोबड़ाही की है। नेपाल की पुलिस व स्थानीय लोगों ने झड़प की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि तस्करी के सामान को लेकर बॉर्डर के समीप नेपाल क्षेत्र में एक गोदाम पर नेपाल पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान हुई हड़प में कई नेपाली पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की सूचना मिली है। लोगों के विरोध पर नेपाली पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। इससे बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया। भागलपुर में पैकड़ों ने उत्पात मचाया जमकर, पुलिस टीम पर हमला, कई घायल। मोहर्रम के 8वें दिन शुक्रवार रात पैकड़ों ने भागलपुर जिले के ततारपुर के किलाघाट, छमामवाड़ा, कोतवाली चौक स्थित झमामवाड़ा और मंदरौजा चौक पर जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसमें कोतवाली थाने के जवान अनिल कुमार घायल हो गए। कोतवाली के ASI जयवीर सिंह को भी सीने में चोट लगी। उन पर ईंट से हमला किया गया। कई पुलिस पदाधिकारी और जवानों के घायल होने की सूचना है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। चुनाव आयोग ने खारिज किया 9 जिलों के स्वीप प्लान को। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कई जिलों में बना जागरूकता कार्यक्रम चुनाव आयोग के मानक के अनुरूप नहीं निकला। आयोग के निर्देश पर 27 जिलों ने अपना स्वीप प्लान प्रस्तुत किया था, जिसमें से 9 जिलों के प्लान में कैंप सर्वे के नतीजे को शामिल नहीं किया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी H श्रीनिवास ने उन सभी जिलों को फिर से स्वीप प्लान बनाकर
भेजने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि यह प्लान इस तरह बनाया जाना चाहिए जिसमें कैंप सर्वे 2019 के नतीजों पर आगे का प्रयास दृष्टिगोचर हो। तेजस्वी ने फिर बोला सीएम नीतीश पर हमला, कोरोना संक्रमण और बाढ़ को लेकर कहा राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को बिहार की नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार बाढ़ और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना पर नजर रखने के लिए राजनीतिक दलों की कमेटी बनाने का सदन में आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कमेटी नहीं बनी। जदयू में हुए शामिल पूर्व डीजी सुनील कुमार ललन सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व आईपीएस सुनील कुमार शनिवार को जदयू में शामिल हो गए। जदयू के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने उन्हें जदयू की सदस्यता दिलाई। वर्ष 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी सुनील कुमार की छवि एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर की रही है। वे पटना के सीनियर एसपी के अलावा एडीजी पुलिस मुख्यालय और डीजी होमगार्ड डीजी अग्निशामक सह महाद्वेष्टा के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू से भड़के सुशांत के परिवार, भाई बोले झूठ बोल रही विश्वकन्या। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्य आरोपित उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सुशांत व उनके परिवार के बारे में कई बातें बताई है। रिया ने आरोप लगाया है कि डिप्रेशन के खिलाफ सुशांत की जंग में उनका परिवार उनके साथ नहीं था। इस पर सुशांत के परिवार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदित हो कि सुशांत की मौत बीते 14 जून को मुंबई स्थित उनके फ्लैट में हुई थी। चिराग पासवान ने 119 उम्मीदवारों के साथ की बैठक, नीट जी के मुद्दे पर भी की बात। बिहार में कोरोना काल के दौरान विधानसभा चुनाव कराए जाने का विरोध कर रहे चिराग पासवान ने आज महत्वपूर्ण बैठक की है। चिराग पासवान ने 119 विधानसभा उम्मीदवारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। LJP ने इन संभावित उम्मीदवारों के साथ चिराग पासवान ने चुनावी रणनीति और चुनाव के लिए बिहार में मौजूदा हालत को लेकर बातचीत की है। प्रसव प्रोत्साहन राशि घोटाले में दोषी मुसहरी सीएससी का लेखापाल बर्खास्त, डीएम ने दी मंजूरी। प्रसव प्रोत्साहन राशि घोटाले में दोषी मुसहरी सीएचसी के लेखापाल अवधेश कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। सिविल सर्जन की अनुशंसा पर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मंजूरी दे दी है। साथ ही सीएचसी प्रभारी व अस्पताल प्रबंधक पर भी कार्रवाई होगी। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र चौधरी पर कार्रवाई करने के लिए सिविल सर्जन स्वास्थ्य मुख्यालय पटना को अनुशंसा करेंगे। वहीं अनुबंध पर बहाल अस्पताल प्रबंधक पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएम के अनुसार इस मामले में सभी प्रखंडों में जांच चल रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम नीतीश ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग भड़काएंगे पर याद रखिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिसको काम की ना जानकारी है और ना समझ है, वे उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। कुछ तो गांव में जाकर लोगों को भड़काएंगे भी, पर सब लोग याद रखिएगा पहले क्या स्थिति थी और अब कितने काम हुए हैं। पहले गर्मी में भी गाँव के रास्ते में कीचड़ दिखते थे। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 16 अगस्त 1969, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1969, ऑप्शन सी 20 अगस्त 1960 और ऑप्शन डी 29 अगस्त 1960। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस, पटना से शुरू हुई जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम में लंदन के लोग जुड़े। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाने के लिए युवाओं द्वारा चलाई जा रही जस्टिस फॉर सुशांत की मुहिम में लंदन से भी लोग जुड़ने लगे हैं। जस्टिस फॉर सुशांत के प्रभारी विशाल सिंह राजपूत ने बताया कि शुक्रवार को लंदन में भी लोग सड़कों पर उतरेंगे, वहां शांतिपूर्वक सुशांत को न्याय दिलवाने की अपील करेंगे।
लंदन में रहने वाले ऐसे लोगों ने जस्टिस फॉर सुशांत के प्रभारी से संपर्क कर उन्हें अपने मुहिम में शामिल करने को कहा था। सोशल साइट्स पर भी वे सभी लोग अपनी वीडियो और फोटो को पोस्ट करेंगे। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। शिक्षकों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सैलरी में हुई 15% की वृद्धि। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षक की नई सेवा शर्त नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। इसके अनुसार 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ सितंबर 2020 से ही दिया जाएगा। वहीं इन शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहे GS न्यूज के साथ, धन्यवाद। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295803773, 93043-67-170। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437।